फिल हाउस तो मेरा चश्मा किसने गेम कर दिया रे। दो दिन का जिंदगी चलते हुए सफर के मजे में मैं और मेरा दोस्त लोग दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मरीन ड्राइव अप कोणार्क। लुक एट द प्लेस मैन, हाउ इज द जूस? हाय, सन इज राइजिंग। तेज इतना ज्यादा है कि आंख कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ड्राइव करना भी मुश्किल हो रहा है उनको। और यहाँ पे ये लोग वॉलीबॉल स्टार्ट किए थे, अभी फुटबॉल पे खत्म करेंगे लगता है मुझे। जल्दी बाहर आ भाई, गा दो जल्दी, कहाँ कर जाती है। गादो जल्दी गादो, तैयार है गादो।
अभी उन आंटी लोगों ने आंसू का फ़ोन दिया क्योंकि वो बीच में गिरा दिया था। अगर उन्होंने हेल्प नहीं की होती तो आज फ़ोन मिलना पॉसिबल ही नहीं था यार। थैंक्स, इंसानियत अभी भी बाकी है। अभी चंद्रभागा बीच से नहा धो के वापस आए, अभी कोणार्क मंदिर जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, यहाँ से 200 मीटर, मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊँगा, ठीक है। तो आसमान तो ब्लू है पूरा, आज ब्लू है, पानी पानी टाइप। वहाँ पे कार पार्क कर दी और अभी हम कोणार्क मंदिर जाएंगे। यहाँ पे चाय बिस्किट थोड़ा खाएंगे, उसके बाद आगे की कहानी बताता हूँ, ठीक है। ना बना भाई कोणार्क पुणी आसीजु बुलिकी जी संबलपुर सीधा पलैब चिपिल माँ घंटेश्वरी घंटेश्वर मंदिर दर्शन करके सीधा घर को जी ये है टिकट, एक कॉइन जैसा, इस पे लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। This is the sun temple। यहाँ पे पहले समंदर लग के रहता था, अभी बहुत पीछे चला गया। चंद्रभागा बीच नहीं बोले, वो पहले इसके पीछे सट के रहता था, अब दूर चला गया। इसका भी एक स्टोरी है। ओ, ऐसे क्या ही लग रहा है यार।
मैं तो पूरा स्पीचलेस हो गया हूँ यार, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बस देखते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ कितनी बार आया हूँ मैं कोणार्क। बट बस आप लोग बस एंजॉय कीजिए, व्यू एंजॉय कीजिए। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, मैं बस देखना चाहता हूँ ये सब। पी दो पहला। ये कोणार्क मंदिर है, इसको लांगुला नरसिंह देव उन्होंने बनाया था। हाँ, तो पहले क्या बोलते थे कि 1200 वाकों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, राजा के नांगुला नरसिंह देव के वहाँ पे अपॉइंट किए थे। तो क्या हुआ, सब कुछ तो बना दे पूरा मंदिर स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक बना दे, बस उसका जो पीक टॉप में रहता है ना, पीक बोलते हो जिसको, वो नहीं बना पा रहे थे। तो क्या हुआ, तो एक बार बनाया फिर टूट गया वो वर्कर लोग, दूसरी बार बनाया फिर से टूट गया, ऐसे तीसरी चौथी पाँच बार बोल के 100-200 बार बनाया, फिर भी नहीं बन रहा था जो टॉप में रहते थे, फिर टॉप में जो है वो नहीं बन पा रहा था। तो क्या किया, नांगुला नरसिंह पहले के राजा लोग क्या रहते थे कि पूरा उनका जो मतलब ऑर्डर रहता था, मतलब डिफरेंट टाइप के मतलब ईगो, हाँ ईगो एक हिसाब से ईगो बोल सकते। तो क्या हुआ था, तो उन्होंने वो पूरा 1200 वाकों का उनका जो हेड था उनको बुलाया, ठीक है, लीडर को बुलाया। उसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, उनके बच्चे का नाम का मेरे को मालूम है, उनका नाम था बाजी राउत, वो बाद में पता चलेगा स्टोरी में क्या उनका रिलेशन क्या है जो। तो क्या होता, उनको बुलाए और उनको बोले कि अगर पीक 10 दिन के अंदर नहीं बनेगा तो जो 1200 वर्कर है सबका मैं सर कलम कर दूंगा बोल। और वो राजा लोगों का मतलब कि जुआन करेंगे, राजा को छोड़ के कहाँ से जाओगे, इतना बड़ा देश है। तो क्या हुआ था, वो वर्कर लोग का जो हेड था वो घबरा गया, वर्कर लोगों को तो बोला नहीं बट घबरा गया, बहुत ज्यादा घबरा गया। तो वो जाके जब घर गया तो उसके बीवी बच्चे लोग सब देखे, ये पूरा टेंशन में है, ये उसको मतलब कि क्या बोलते कि उसको चैन नहीं आ रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, स्ट्रेस आउट। हाँ, ऐसे 1200 वर्कर उसके लिए अगर मतलब मर जाएंगे तो उसके हिसाब से बहुत बुरी बात है ना उसकी। तो इसलिए क्या हुआ था कि उसका बच्चा आया, उसका नाम था बाजी राउत, ठीक है, तो बाजी राउत आया तो उसको बोले ऐसे ऐसा बेटा ऐसे ऐसा, ठीक है, 1200 लोग को मार देंगे अगर हमने ये इसका जो पीक है उसको नहीं बना पाए तो, ऐसा बोल के बताए। तो बाजी राउत बोला पापा मैं कर दूंगा बोला, ठीक है मैं कर दूंगा बोला, और ठीक है तू कैसे कर पाएगा, उसके पापा बोले पहले जैसे नहीं बच्चे लोगों को तो कैसे जाने देंगे, और अगर राजा को पता चल जाएगी दूसरा कोई लोग किया है वो तो क्या करेगा, सबको वैसे ही मार देगा और उसके बच्चे को भी मार देगा। तो वैसे 1200 मर रहे हैं तो 1201 काहे करेगा वो, ऐसा सोचा। और वो उसके बच्चे को मना किया, ठीक है, उसके बच्चे को बहुत सारा मना किया, फिर नहीं माना, उसके बच्चा खुद यहाँ पे कोणार्क मंदिर के आसपास आके घूमा देखा ऐसा ऐसा बोल के, और उन्होंने पूरा दिमाग लगाया और क्या किया, वो ना चुपके चुपके ही मतलब कि पूरा चुपके चुपके कुछ वर्कर लोगों को लेके अपने दोस्त मतलब कि दोस्त वगैरह तो नहीं उसके जो रहते हैं उसके जो प्रोफेसर में जो है उनको क्या कर दिया, उनको लेके वहाँ का जो पीक था उसको बना दिया। और अगर राजा को पता चल जाता कि ये बनाया है बोल के तो क्या हुआ था, राजा को पता चल जाएगा अगर उसने बनाया बोल के तो क्या हुआ था, उसको मार देते और सबको भी मार देते। तो क्या किया, वो खुद का जान का परवाह ना करते हुए वो जो देख रहे हो टॉप से वहाँ से कूद दिया। और यहाँ पे क्या था, पहले ये सब ग्रीनरी है ये नहीं था, पहले यहाँ पे वहाँ तक तो पानी आता समंदर था, समंदर का पानी यहाँ पे रहता था, वो क्या बोलते उसको नदी का ना, चंद्रभागा, ठीक है, वही पूरा यहाँ तक तो आता था, वहाँ से कूद गया और अपना जान दे दिया। अच्छा, यही है पूरा स्टोरी, बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, देख सकते हो आप, इतना बड़ा बड़ा मंदिर है, आपको तो वीडियो में शायद छोटा दिख रहा है लेकिन लाइव साइज देखोगे तो बहुत ही बड़ा है, दूर खड़े रखे कंपैरिजन का देख लीजिए कितना मतलब मंदिर कितना टॉल है और कितना वाइड है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, यू शुड ऑलवेज विजिट इट व्हेनेवर यू आर इन ओडिशा, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कम हियर।
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन फाइंड ओवर हियर. दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस दैट इज दैट इज मोस्ट प्रोबेबल टू फॉर द विजिटर टू एक्चुअली सी अराउंड एंड यू कैन सी द आवर एंशिएंट हिस्ट्री. जस्ट कम क्लोजर. Different stone ported, or you can call it stone carving. It's an awesome place to visit. You can see the detail, the detailing that is being done in the 1300 century. It's all handmade. It's all handmade. 1200 workers were appointed to work on this. You can see this. You can see the steps, the size of the steps, and you can imagine the size of the steps. Approximately 1.5 feet. 1.5 feet. You can see that the length is at around 3 feet. 3 feet. 3 feet. 3 feet. 3 feet stone. This is the part that is destroyed by Mughals. Mughals came here and they destroyed it. Look. Wow. वाइकल सो गए. ब्लूटूथ ब्लूटूथ नहीं मेले समंदर बाकी चीज ना हुआ ना हमें आप का ना चल तो ओ भाई ना भाई नहीं जाओ रैन चल सी लुआ चोगा थी मनुष्य चल सी बुड़े रैन चल सी लुआ चोगा थी मनुष्य चल सी बुड़े वैसे ही चिया ना गिरी नहीं और गुना बात ना मैं तो गौन वाई बात कर मुड़े हाँ अल्लाह ना तो पूरी वाला ट्रिप आज ख़त्म हुआ. आज अभी 7:15 या 20 मिनट हुए हैं. अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं कमलपुर स्टेशन. अभी घर के लिए ऑटो या रिक्शा या फिर कुछ भी करके फिर घर जाएंगे. ठीक है. अगर ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. वी नीड योर सपोर्ट सो सम सपोर्ट. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.